And assalamu alaikum. This is Sabiha Imran and you are watching Park English Link. Today we are going to practice preposition on, and in this video I'll tell you the difference between on and on to as well. आज हम बात करेंगे preposition on के 6 uses की, जो day to day conversation में बहुत important हैं। तो जनाब on का पहला इस्तेमाल है चीजों की जगह के हिसाब से, यानी कोई चीज किसी सतह या surface पर रखी हुई है। अगर English में कहें तो On is used to express some things being on the surface of some other thing. इस बात को इस मिसाल से समझा जा सकता है। अंडे बावर्ची खाने की मेज पर हैं, यानी अंडे मेज की सरफेस पर मौजूद हैं। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी The eggs are on the kitchen table. The eggs are on the kitchen table. चलते चलते आपके लिए एक प्रोनंसिएशन टिप है कि अगर आर्टिकल द किसी ऐसे वर्ड से पहले आ रहा हो जो कि वोवल साउंड से शुरू होता हो तो आप द को दी प्रोनाउंस करते हैं। इस बात को मजीद समझने के लिए दूसरी एग्जांपल देखिए। कागजात उसकी मेज पर हैं। द पेपर्स आर ऑन हिज टेबल। द पेपर्स आर ऑन हिज टेबल। ऑन का अगला इस्तेमाल है दिन या तारीख के हवाले से, यानी कोई काम किस दिन और किस तारीख को हुआ है। ऑन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, कूड़े करकट का ट्रक बुध के रोज आता है। द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेंसडे। द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेंसडे। इसी की दूसरी एग्जाम्पल देखिए। मैं 14 नवंबर को पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 14th नवंबर। आई वॉज बॉर्न ऑन 14th नवंबर। नाउ कम्स द थर्ड यूजेज ऑफ ऑन। ऑन इज यूज टू इंडिकेट अ डिवाइस और मशीन सच एज अ फोन और कंप्यूटर। जब किसी मशीन या डिवाइस या गैजेट के हवाले से बात करनी हो तो आप ऑन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो अभी फोन पर है। ही इज ऑन फोन राइट नाउ। ही इज ऑन फोन राइट नाउ। इसी की दूसरी मिसाल देखिए। वो सुबह से कंप्यूटर पर है। ही हैज बीन ऑन कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन ऑन कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। इसी कनेक्शन में तीसरी एग्जाम्पल देखिए। मेरी पसंदीदा फिल्म आज रात टीवी पर होगी। माई फेवरेट फिल्म विल बी ऑन टीवी टुनाइट। माई फेवरेट फिल्म विल बी ऑन टीवी टुनाइट। लेट्स सी द फोर्थ यूज ऑफ प्रेपोजिशन ऑन। ऑन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी। जब आपको किसी बॉडी पार्ट के हवाले से बात करनी हो तो आप ऑन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, छड़ी मेरे कंधे से टकराई। द स्टिक हिट मी ऑन माई शोल्डर। द स्टिक हिट मी ऑन माई शोल्डर। दूसरी एग्जाम्पल देखिए। उसने मेरे कंधे पर मुझे थपथपाया। शी पैटेड मी ऑन माई शोल्डर। शी पैटेड मी ऑन माई शोल्डर। टू अंडरस्टैंड इट फर्दर, सी द अदर एग्जाम्पल। मैं अपनी उंगली में अंगूठी पहनता हूँ। आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर। आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर। हियर कम्स द फिफ्थ यूज ऑफ प्रेपोजिशन ऑन। ऑन इज यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग। ऑन इस्तेमाल करते हैं किसी चीज की स्टेट या हालत बताने के लिए, जैसे कि इस दुकान में सब कुछ फरोख्त के लिए है या सेल पर है। एवरीथिंग इन दिस शॉप इज ऑन सेल। एवरीथिंग इन दिस शॉप इज ऑन सेल। मजीद समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखें। इमारत में आग लगी हुई है। द बिल्डिंग इज ऑन फायर। द बिल्डिंग इज ऑन फायर। यहाँ पर भी इमारत की हालत या स्टेट बताने के लिए ऑन इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं ऑन के आखिरी इस्तेमाल की। ऑन इज यूज्ड टू मेंशन समथिंग एज अ टॉपिक और व्हाट समथिंग इज अबाउट। ऑन इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए कि कोई चीज किस बारे में है या किसी चीज जैसे किताब वगैरह का टाइटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, करियर के बारे में एक किताब है। दिस बुक इज ऑन करियर। दिस बुक इज ऑन करियर। मजीद समझने के लिए ये मिसाल देखिए। उन्होंने गालिब के बारे में तफसील से बात की। He talked at length on Ghalib. He talked at length on Ghalib. कुछ लोग on और on to के इस्तेमाल में बहुत confused रहते हैं। तो जनाब, सिर्फ on इस्तेमाल होता है बताने के लिए कि कोई चीज़ किसी surface पर मौजूद है, जबकि on to हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ move करके किसी surface पर पहुंची है। मिसलन, किताब मेज पर थी शो करता है कि किताब वहां पहले से मौजूद थी। द बुक वॉज ऑन द टेबल। जबकि अली ने किताब अपने बैग से निकाली और मेज पर रख दी। ये शो कर रहा है किताब की मूवमेंट बैग से मेज के ऊपर।
तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, अली टुक द बुक आउट ऑफ हिज बैकपैक एंड पुट इट ऑन टू द टेबल। अली टुक द बुक आउट ऑफ हिज बैकपैक एंड पुट इट ऑन टू द टेबल। अब है कुछ एक्सरसाइज टाइम। हियर आर सम मोर सेंटेंसेस इन विच ऑन इज यूज्ड। इन तमाम जुमलों में ऑन इस्तेमाल होगा। कैन यू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश? इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। अली अभी ड्यूटी पर है। नंबर टू, चार्ट दीवार पर है। नंबर थ्री, नीलामी जारी है। नंबर फोर, बेंच बैठने के लिए है। नंबर फाइव, हम अगस्त में छुट्टी पर जा रहे हैं। So here are the answers. You can tally your answers. Ali is on duty now. Number 2, the charts are on the wall. Number 3, the auction is on. Number 4, the bench is to sit on. Number 5, we are going on vacation in August. Now it's time to say goodbye. I hope this humble effort will help you improve your English. Thanks for watching Park English Link. If you like this video, don't hesitate to strike like button, subscribe to my channel Park English Link and share it with your family and friend. Have a good day.